पानीपत के भीमसेन सच्चर को सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद अत्याधुनिक भवन बनाने में तो सफलता प्राप्त की है, लेकिन आम जनता को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। इस अस्पताल में मरीजों की लंबी लंबी लाइनें तो लगती हैं, किंतु वहां डॉक्टर के दरवाजे पर लिखा होता है कि डॉक्टर मौजूद नहीं है। दवाइयों की लंबी लिस्ट बनाकर लिखा है ये दवाइयाँ यहाँ नहीं मिलती, जिसके चलते लगातार मरीज शिकायत अधिकारियों को करते हैं। मीडिया द्वारा बार बार दिखाए जाने के बाद आज पानीपत विधायक प्रमोद विज अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे, लेकिन मरीजों की शिकायत के बाद भी वह सिर्फ आश्वासन ही मरीजों को दे पाए। आपने डिमांड लिख के भेज दी तो ऑनलाइन सिस्टम है सर, राइट। वो जब भेजी तो उसको फॉलो करना होगा सर, ऑनलाइन सिस्टम है सारा। फोटो इसलिए आया हूँ, सुधारेंगे इसको। नहीं है आज के दिन नहीं है, क्यों नहीं है ये विषय डिस्कस करूँगा। मेडिसिन होनी चाहिए हॉस्पिटल में, खत्म होने से पहले नहीं मेडिसिन आनी चाहिए। करता हूँ बात में, तो क्यों नहीं आ रही है? ठीक ठीक। अब पीछे से मेडिसिन नहीं आ रही। लेटर किसको लिखा आपने? हाँ जी, किसको लेटर लिखा सर? बेहरा उसमें मेडिसिन आप फिर पूरे मतलब स्टेट की मेडिसिन जो है ना पंचकुला से, राइट। आपने डिमांड लिख के भेज दी तो ऑनलाइन सिस्टम है सर, राइट। सर वो जब भेजी तो उसको फॉलो करना होगा सर, ऑनलाइन सिस्टम है सारा। फोटो मुझे बताया नहीं कौन सी दवाई कब लेनी है। सारी दवाइयाँ दोनों नहीं आज औचक निरीक्षण पे निकले हैं, क्या क्या खामियां मिली हैं, क्या क्या देख रहे हैं उसके बारे में बताते हैं। ऐसा कि बहुत दिन से कंप्लेंट्स मिल रही थी कि लोगों को मेडिसिन की प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, मेन ये था, और दूसरा अल्ट्रासाउंड की प्रॉब्लम लोग बहुत बता रहे हैं। तो जब यहाँ के देखे तो ओपीडी के अंदर तो सिस्टम ठीक है कि जो लाइन लगी हुई है हर एक पेशेंट जो यहाँ आता है वो 5-1 मिनट में क्लियर हो जाता है, उसकी स्लिप मिल जाती है, और बड़ा व्यवस्थित तरीके से ओपीडी का रजिस्ट्रेशन तक जो बात है वो ठीक है। मेडिसिन में वाकई मालूम पड़ा कि लोग जो कंप्लेंट कर रहे हो किसी हद तक ठीक है, लेकिन उसमें यह है कि मेडिसिन अवेलेबल नहीं है ये कहा जा रहा है सर। बोर्ड और लगा एक हुआ है। बता रहा है, और एक बोर्ड बाहर लगा हुआ है जिसका फ़ोटो हमने ले लिया है, जिसमें बहुत ही लंबी सूची है जो मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। तो ये बड़ी चिंता का विषय है, हॉस्पिटल में मेडिसिन ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं अभी स्टॉक लिस्ट चेक करूंगा, अभी यहाँ से थोड़ा समय लगेगा, और डॉक्टर साहब से निश्चित करेंगे कि क्या सिस्टम अडॉप्ट किया जाए,
मंत्री महोदय से भी अगर बात करने की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे कि मेडिसिन का शॉर्टफॉल नहीं होना चाहिए, ख़त्म नहीं होनी चाहिए। मेडिसिन ख़त्म होने से बहुत पहले ही सूची चली जानी चाहिए ताकि जो सरकारी काम में थोड़ा समय लगता है मेडिसिन आने में, वो समय में मेडिसिन यहाँ पे आ जाए। तो ये व्यवस्था चिंता का विषय है और मैं इस पर ध्यान दिलवाऊँगा, डॉक्टर साहब का भी और मंत्री महोदय का भी। और अभी हमने यहाँ देखा एक चीज़ और कि अल्ट्रासाउंड के अभी यहाँ दो मशीनें हैं, दोनों नई मशीनें हैं, लेकिन व्यवस्था के अंदर डॉक्टर एक है यहाँ पे, तो इस तरह से तो एक मशीन आइडल खड़ी है। तो मैं मंत्रालय में बात करके इस बात की व्यवस्था करने की चिंता करेंगे, जल्दी से जल्दी एक वो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के लिए व्यवस्थित कर दिया जाए ताकि लोगों की सुविधा बढ़ जाएगी। और यहाँ पे एक्सरे रूम, एक्सरे वाले ठीक काम कर रहे हैं, उसमें कोई समस्या नज़र नहीं आती है, सिर्फ समस्या जो अल्ट्रासाउंड में है। और उसमें भी अगर डॉक्टरों को किसी वजह से कभी कोर्ट पे जाना पड़ता है, कभी परिवार को छुट्टी ले लेते हैं, तो उस दिन अल्ट्रासाउंड होता ही नहीं है और पेशेंट यहाँ पे आगे वापस जाते हैं। कम से कम दो डॉक्टर तो ज़रूर होने चाहिए ताकि अगर किसी दिन किसी एक डॉक्टर को जाना पड़ जाए तो उसकी व्यवस्था तो चलती रहे। थोड़ी देर में पूरा मैं चक्कर जब लगा लूँगा तो आगे की बात तो तभी बता पाऊँगा, अभी तक मैं यहीं आया था। अर्थ प्रकाश के लिए पानीपत से मदन ब्रिजा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।